पर डीएम चौराहे पर बन रही अटल पथ पर भारत के तमाम महापुरुषों की कलाकृतियां बनाई जा रही हैं और अटल पथ का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। अटल पथ पर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की कलाकृतियों को बनाया जाए और अटल जी के साथ साथ मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा भी स्थापित की जाए। अटल पथ पर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आदि महापुरुषों की कलाकृतियों को दीवारों पर उकेरा जा रहा है। नगर पालिका चेयरमैन ज्योति गुप्ता ने सभासदों के साथ उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और मुलायम सिंह यादव की प्रतिमा लगवाने को लेकर प्रशासन से मांग की। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का गढ़ माना जाता है। इटावा नेताजी की राजनीति की शुरुआत इटावा से शुरू हुई थी और अंतिम यात्रा तक उनका लगाव इटावा से रहा है। संतू गुप्ता ने बताया कि अटल पथ का निर्माण कार्य नगर पालिका के बजट के कारण कराया जा रहा है और नेताजी और अटल जी के पुराने साथी रहे हैं। हमने डीएम साहब के यहाँ जो ज्ञापन दिया है, हाँ, हमारी और नगर पालिका के जो भी सभासद भाई लोग हैं, बहनें हैं, सबका यही मानना है कि यहाँ पे जो प्रतिमा बनवाई जाएगी अटल जी की, उनके साथ एक माननीय हमारे जो नेताजी थे मुलायम सिंह यादव जी, उनकी भी एक प्रतिमा बनवाई जाए। हमने अपना तरफ से पूरी कोशिश की है, अपना विज्ञापन भी दिया है। कोशिश यही रहेगी कि जैसा लोग चाहते हैं उसी प्रकार से एक प्रतिमा बने। अभी उन्होंने तो यही बोला है कि जी बिल्कुल। हम लोग सभी सभासद और अध्यक्ष महोदय के साथ आए थे, वो इसलिए आए थे कि जो हमारा अटल पथ बन रहा है, जो उसमें 15वें स्थान नगर पालिका का पैसा है लगा है, तो नेताजी और अटल जी बहुत साथ साथ रहे हैं पुराने, जब सभी लोगों की उसमें मूर्ति आकर वो बन रही है, तो हमारे माननीय मुलायम सिंह जी की भी मूर्ति लगे और उसमें प्रतिमा बने, ये हम लोगों का मांग थी। क्या आश्वासन मिला अभी? नहीं, अधिकारियों ने कहा हम उस पर करते हैं, विचार करते हैं, कार्रवाई करते हैं। जब नगर पालिका का पैसा है और नगर पालिका के ही लोग मांग कर रहे हैं, उनका गृह जनपद है जबकि हमारी सरकार है, तो ये हम लोग चाहते हैं कि यहाँ आदरणीय स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की प्रतिमा लगे, उसमें उनका साथ भी रहा है।